अदम। खैर, उस अदम में जो अपनी शायरी में नज़र आता है और उस अदम में जिसे उसके घनिष्ठ मित्र जानते हैं, रति बराबर फ़र्क नहीं। अतः उसके व्यक्तित्व और शायरी की इस प्रवृत्ति का समन्वय अपनी समस्त त्रुटियों और हीनताओं के बावजूद उस विशेष लक्षण का साधन बना जिसे आम परिभाषा में शायराना खुलूस या काव्यात्मक शुद्ध हृदयता कहा जाता है। अर्थात कवि का वही बात कहना जो मांगे तांगे की न होकर उसकी अपनी अनुभूतियों से उत्पन्न होती है और सैद्धांतिक मतभेद के बावजूद अपने आप में अपनी महानता मनवाने की क्षमता रखती है। एक शेर देखिए सज्जनों, साकी मेरे खुलूस की शिद्दत को देखना, फिर आ गया हूँ गर्द से दोरों को टाल करे सज्जनों। लेकिन शुद्ध हृदयता मात्र से भी बात नहीं बनती। शायरी में बात बनाने के लिए शुद्ध हृदयता के साथ साथ और भी बहुत कुछ आवश्यक होता है। ये जानना आवश्यक होता है कि गर्द से दोनों को टालना उतना ही कठिन बल्कि असंभव है जितना शायरी ने इस शेर में सहल बताया है। अतएव क्रियात्मक जीवन के प्रति उदासीनता और चिंतन की कमी ने उसे अवसंतावादी बना दिया और उसने अपने इर्द गिर्द एक चार दीवारी खड़ी कर ली जिससे न वह स्वयं बाहर निकलना चाहता है और न ये चाहता है कि बाहर की गर्म हवा उस तक पहुँचे। लेकिन या फिर किसी व्यक्ति को चाहने या न चाहने का प्रश्न आ खड़ा होता है। और चूँकि कोई चाहे कितना ही बड़ा अवसंतवादी क्यों न हो, आखिर को मनुष्य होता है और मनुष्य चाहे अपने गर्द कितनी ऊंची और मजबूत दीवारें खड़ी कर ले, बाहर की सर्दी गर्मी उसे ढूंढ ही लेती हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी ये दुनिया के नज़ारे हैं। प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं। कौन कहता है बूढ़े ही शक नहीं करते, करते हैं मगर लोग उन पर शक नहीं करते। कन्हैया लाल मीणा, विधायक पूर्ववर्ती मंत्री महोदय, लगभग नाराज होने के लिए नहीं कहा ये कविते। मिजाज देखने के लिए परवाधिकार से गुजारिश करते हैं आपके मिजाज अच्छे होंगे सज्जनों। कभी कभी तो मुझे भी ख्याल आता है कि अपनी सूरत हालात पर निगाह करूं और जब वह उसी शुद्ध हृदयता के साथ सूरत हालात पर निगाह करता है तो उसके कलम से ये अकल के सहमे हुए बीमार इरादे क्या चारा ये नासाजी ये हालात करेंगे, ऐसे शेर निकलने लगते हैं। और कभी कभी तो वह सूरत हालात और नासाजी ये हालात पर सोचते सोचते मुद्रा स्थिति की सीमा में निकल एकदम विचारक और दार्शनिक बन जाता है। दूसरों के बहुत आसान है मिलना साखी, अपनी हस्ती से मुलाकात बड़ी मुश्किल है। और जैन फितरत में थी जितनी नाकशुदा उलझने एक मकद पर सिमट आई तो इंसान बन गई। लेकिन ऐसे शेरों को उसके या अधिक संख्या नहीं है, अधिक संख्या उन्हीं शेरों की है जिनमें शायर को सूरत हालात पर विचार करने से भय लगता है। और यदि वह विचार करता भी है तो ये कहकर चुप हो जाता है। अभी हाविदे से दोरों पे कौन गौर करे, अभी तो महफिले हस्ती शराब खाना है। और यो आधुनिक उर्दू शायरी का ये मदाप और मत वाला शायर उसी मार्ग पर भटकता नजर आता है जिसे सदियों पहले उमर खयाम ने तराशा और समतल किया था और जिसे पार करके आज के शायर कहीं से कहीं निकल गए आवाज़ की दुनिया के। दोस्तों सब्सक्राइब फ्री है मित्रों, ये नितांत आवश्यक है।